लोहा मर्द कभी खुशी कभी गम सूर्यवंशम 98 जैसे फिल्मों में अभिनय कर चुके 80 वर्षीय अमिताभ बच्चन जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में हुआ था, आज सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हो चुका है। महज 80 वर्ष की उम्र में अमिताभ बच्चन इस दुनिया को अलविदा कह गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले काफी दिनों से अमिताभ बच्चन मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे और वहां पर लगातार फैंस और मीडिया जाकर उनकी खबर की पुष्टिकरण कर रहे थे कि आखिर वो कैसे हैं, उनकी हालत में सुधार हो रही है या नहीं। पर आज सुबह ये जानकारी निकलकर सामने आई कि अमिताभ बच्चन का निधन हो चुका है। बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और आज सुबह ही उनका निधन हो चुका है। दोस्तों, उनके निधन की खबरें सुनकर कहीं ना कहीं फैंस हताश रह चुके हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ट्विटर पर भी उनके अच्छी सेहत की कामना फैंस द्वारा की जा रही थी। दोस्तों, अगर आप भी अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो इस वीडियो को श्रद्धा भावपूर्ण लाइक ज़रूर कर दें। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक उनके परिवार या फिर किसी भी बड़े सेलिब्रिटी द्वारा उनके निधन की पुष्टि नहीं की है, जिसके तौर पर यह माना जा रहा है कि अमिताभ बच्चन के निधन की खबरें महज अफवाहों के तहत ही फैलाई जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो उनके अच्छी सेहत की कामना करते हुए कमेंट में गेट वेल सून जरूर लिख दें। हमारे इस वीडियो का बनाने का असली मकसद यही है। अगर आपने भी इस तरीके की किसी भी जानकारी को देखा या सुना है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।